वैसे सभी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक जिन्होंने समायोजन हेतु निर्धारित अवधि अर्थात 26 जून 2016 तक माननीय न्यायालय में वाद दायर किया है और जिनके समायोजन संबंधी दावे को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अस्वीकृत अवलिख खारिज कर दिया गया है, उस पर पुनर्विचार किया जाना। प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा जिला स्तरीय कमेटी के सचिव अर्थात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के द्वारा अपने स्तर से करते हुए इसे प्रारंभिक जांच हेतु कमेटी के विचारार्थ दिनांक 18-10-2019 तक कमेटी की बैठक आहूत कर उपस्थापित किया जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी की प्रारंभिक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आपत्ति निराकरण हेतु संबंधित अनुदेशक द्वारा समर्पित दस्तावेजों यथा बैंक खाता का सत्यापन, अवलिख भुगतान पंजी से मिलान, अवलिख अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच आदि जो भी आवश्यक हो दिनांक 31-12-2019 तक कार्रवाई कर पूरी कर ली जाएगी। आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 9-10-2019 से 90 दिनों के अंदर अर्थात 9-1-2020 तक जिला स्तरीय कमेटी अंतिम रूप से अपना प्रतिवेदन समर्पित कर दें। और साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत प्रेरक प्रखंड स्तरीय समन्वयक जिला स्तर समन्वयक अपना अपना प्रभार देकर अपने बकाया भुगतान प्राप्त कर लें, क्योंकि साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत चलने वाले केंद्रों को 31-3-2018 को बंद कर दिया गया। दरभंगा जिले में कुल 107 प्रेरकों एवं 15 प्रखंड समन्वयकों द्वारा अपना शपथ पत्र अवलिख प्रभार देकर भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। शेष प्रेरकों एवं प्रखंड समन्वयक अपना भुगतान यथाशीघ्र प्राप्त कर लें, अन्यथा किसी भी समय जन शिक्षा निदेशालय जिले को उपलब्ध कराई गई राशि वापस ले सकती है। राशि वापस होने के उपरांत भुगतान में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।